हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मित्र सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पार्क सब्जी रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। और बड़े दिनों बाद आई हैं, जरा इनसे कुछ बातचीत हम करेंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी है तो इसलिए तो मैं बख्श रहा हूँ। ये है दिल्ली टू आगरा इन 15 मिनट्स ऑन हायाबुसा। ये वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने प्यार जरूर देना इस वीडियो पे, जितना हो सके शेयर करनी है इस वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी बाकी चैनल्स ने भी किया है तो उनको भी आपने प्यार दिया, हम भी तो है ना आपके दोस्त, तो हमें भी देना। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। This video was produced by professionals on location. Morning guys, this is Anian. Welcome to Gomo Extreme. तो road trip और यहाँ से चल रहे हैं सीधा आगरा। आगरा लखनऊ? नहीं, पहले आगरा। पहले आगरा। पहले आगरा। Okay. आगे अलग अलग राइडर्स क्या क्या करने वाला है। तो बाइक से यहाँ पे ZX10R, Yamaha R1, BMW S1000RR, then 10RR और बाइकों के नाम भी है, मेरे को नहीं समझ आ रहे। 85 किलोमीटर एंड लेट्स रोल यमुना एक्सप्रेस। सबसे पहले अपन स्टॉप लेंगे जेवर का। 185 किलोमीटर है। लेकिन बाइकें भी तो शुल्ली है ना, कार ही लेंगे। हाय हाय हाय, ये मजा, ये मजा था। कान खत्म है मेरे, चलो लेट्स गो। तो टाइम टू राइड। 1 2 3 4 5 बाइकर्स। अच्छा वो लिखा हुआ स्लो स्पीड व्हीकल्स, वो लिखा हुआ स्लो स्पीड व्हीकल्स। अच्छा नॉट अलाउड, चलने का टाइम आ गया। अच्छा मतलब स्लो स्पीड व्हीकल्स अलाउ नहीं है। यहाँ से शुरू हो गए स्पीड पकड़नी है ना इसने। इसने पकड़े नहीं जाना बाइक में, ऐसी बाइक सही है सही। ये मैं कह रहा था। हाँ गेम खेल रहे हैं ना। गया 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 शुल्ली की स्पीड से। हाँ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस। और देखा नहीं कितनी जल्दी जल्दी क्रॉस हो रहा है। फास्ट मोड ऑन कर दियो, फास्ट हो गया। ओ भाई हवा यहाँ तक आ रही है ऐसे लग रहा है ना। तो ये लगा दी अपन ने 300 हो गई थी क्रॉस। 300 एक बार एंड पीछे राइडर्स आ रहे हैं मेरे। वो 300 का मीटर मार दिया साथ ही। ये निकली जा रहा है उसको क्रॉस कर देगा, कर दिया। कितनी स्मूथ रोड है ना, सीधी जा रही है। मतलब के ये बंदा भी ये जा रहे हैं, अब कट्ठे हो गए सारे। थाउजेंड आर आर चला रहे हैं अतुल। Thank you.
ये बाइक भी अच्छी है, पीछे गुजरी थी। पहले बोर्ड ही लगा दिया उन्होंने जब के स्लो स्पीड व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। उन्होंने तो शिवली जाना ही है। वो कितना स्पीड से गया ये, ये बंदा साइड्स पे भी देख रहा है, मतलब सारी निगाहें है इसकी। अगला ब्रॉडकास्ट करते हैं कैमरा इस तक आते हैं पर हेलमेट ट्रक्स बसेस जा रही है। बस वाले भी डर जाते होंगे वहां सुन के ना, ऐसी शुल्ली की तरह मतलब नजर ही नहीं आती। जितनी तेज से मैं पीछे रह गया, मैं काफी तेज खींचता हुआ आ गया, बट काफी स्पीड में आ रहे हैं, वो भी ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बैक टू बैक ही चल रहे हैं सारे, एंड मेरी जैकेट पीछे से उड़ रही है, तो मैं थोड़ा सा गियर अप कर लिया। ये मैंने गियर ड्रॉप किया एंड ये वो निकल गए, क्योंकि वो स्लो किया ना उसने। साइडों से कुछ नजर नहीं आ रहा, चला तो मेरे को लगता है कि पूरा फ्यूल हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। एक ही गो में इन्होंने निकल जाना है, इतनी स्पीड। एक सौ अस्सी किलोमीटर तय करना है 15 मिनट में। दिल्ली तो आ गया जा रहा है, जेवर 71 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ टोटल राइड पे 758 टाइम, एंड भाई ओए होए 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 758 अभी हुए हैं, और मतलब नेक्स्ट लेवल राइड हो गई ये तो, खतरनाक। 70-80 किलोमीटर आ गए, 100 किलोमीटर रह गई है, मजा सा आ गया यार। थक गए पर थक गए, अभी भी थक गए, हाँ क्या मैं तो R1M S1000RR अतुल भाई। तो अब फ्यूल अप कराएंगे यहाँ से, पेट्रोल पंप से निकल गए हैं, पेट्रोल पंप ये रहा, पेट्रोल डलवा लिया मैंने फुल, तो 570 रुपए का डला है 72 किलोमीटर पे, तो 72 किलोमीटर चली है बाइक और 570 रुपए का पेट्रोल डल चुका है इसमें दोबारा, मतलब 570 रुपए में 72 किलोमीटर चली है 72 किलोमीटर्स, तो आइडिया लगा लो कितनी देर लगी, 8:18, काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे खड़े हुए, एंड लेट्स रोल। ऐसी बाइकों पे रुकना नहीं चाहिए, ऐसी बाइकों पे इसकी स्पीड ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आहिस्ता चला आहिस्ता चला, लेकिन फिर भी इंसान को स्पीड कर रहा
ही आगे निकलेगा। नहीं वो उसने इशारा दे दिया, जा वो क्या है। वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी के अंदर से वीडियो बना रही थी। उसने भी चौकी में स्पीड मार दी है। आया वीडियो में, ऐसे किया वीडियो में, फिर स्पीड में मेरे साथ चोट हो चुकी है कि मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, मेरा पैन कार्ड एंड मेरा आधार कार्ड, ये सारे गुम हो चुके हैं। कोई भी चीज उस टाइम मेरे पास में नहीं है एंड मेरे पास उनकी कोई डिटेल भी नहीं है, तो ब्लॉक भी नहीं करा सकते। अब कैसे जाएंगे? तो वैसे भी मैं सोचूंगा जहाँ पे जब रुक जाएंगे कि ब्लॉक कैसे कराना है। 8:50 एंड हमने क्रॉस कर लिया है। जब सारे इकट्ठे हो ना नेक टू नेक, तब ज्यादा मजा आता। ये सब नेक टू नेक के साथ जाते यार नीचे जो किलोमीटर आ गए हम। कितने किलोमीटर आ गए? 50 किलोमीटर आए हैं 17 मिनट में। अभी तो ट्रैवल रिलीज नहीं हुआ यार। फिर से शुमली। ये मुझे रोड ज्यादा स्मूथ लग रही है। अभी हम एक ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक मतलब यहाँ पे लेफ्ट में कोई रेस्टोरेंट है शायद, वहाँ पे ब्रेक लेंगे। सो आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, लीड मैं नहीं कर रहा हूँ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ओके अच्छा, हमें एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ना है लखनऊ आगरा वाले पे। अच्छा एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है। ये रोड ज्यादा स्मूथ है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग। रेड रोड की बनावट से पता लग रहा है बीच में कोई वो नहीं है, मतलब गैप्स होते हैं ना जिसमें का एक्स्ट्रा बनी होती है, जो टूट जाती है एक्स्ट्रा बनाते हैं। वो नहीं। वैसे 5 bikes एक है ZX10R पुरानी वाली, एक ZX10RR, एक R1M, एक BMW S1000RR और एक अपनी वायरल। इसकी आवाज ही दूर से पता लग जाती है। स्पीड नहीं लगा रहे थोड़ी रोड वो है कंजेस्टेड है थोड़ा सा, खुलेंगे तो भाई इन्होंने नहीं पकड़े जा सकते। अब आएंगे ना। वैसे राइड बहुत ही अच्छी रही, मतलब आगे पीछे करके हम चलते रहे एंड लखनऊ इज 317 किलोमीटर और जाना है अभी। और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आज मतलब जब तक 250 तक थे तब तक डेफिनेटली 10RR और R1M आगे निकल रही थी, पर 250 के बाद ये बेबी
भी रूल करती है, मतलब 250 के बाद इतना मुश्किल है एक लीडर क्लास बाइक को इसको टक्कर देना, मतलब प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं पाते। एंड इवन उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बाइक की, आवाज़ 70 या 0-100 भी मान लो, इसमें भी ये एक बार आगे निकल जाती है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, दूसरी बाइक स्पिली कर रही होती है, वो हवा विंड ब्लास बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद आवाज़ सही ना आ रही हो। इसी नोट पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, कैमरा चल रहा है, चेक कर लिया मैंने। गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। ये थी यार वीडियो, अनबिलीवेबल वीडियो थी यार, मतलब समझ नहीं आ रही क्या बोलें इस वीडियो के बारे में। और कैसी लगी आपको, स्पीड बताएं बस। स्पीड तो बड़ी ज़बरदस्त थी, मतलब कि इस वाली बाइक की तो बड़ी ज़बरदस्त स्पीड थी, सबकी बड़ी अच्छी थी। वैसे बाइक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से एक ये भी रीजन था कि वो लाइक कैमरा लगाया हुआ था, जिस वजह से लोग उसको लीड करने दे रहे थे, वरना जो साथ वाले थे वो बड़े ट्रेंड लग रहे थे, प्रोफेशनल थे। ये भी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल ही है कि जो जिन्होंने यूट्यूब चैनल अपना ऑन किया हुआ है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल तो ये है। उनकी बाइक अनबिलीवेबल स्पीड थी यार, मैं तो कहता हूँ इस तरह की स्पीड मैंने अगर देख लूँ ना लाइव, अगर शुल्ली इतना जा रही हो तो मैं तो भाई वहीं पे ही पागल हो जाऊँ स्पीड देख के। और जहाँ तक पर्सनली बात है, मुझे इसकी आवाज़ भी अच्छी लगती है। आवाज़ तो फिर इसकी आवाज़ ही तो है इसकी, और क्या है। लाइक अभी भी रोड्स पे कहीं पे नज़र आ जाए ना, ये इसकी इतनी लाउड आवाज़ होती है कि बंदा कानों को हाथ लगा लेता है। हायाबुसा है, हायाबुसा क्या हो गया, मजाक है। तुम बाइक लवर्स को ऑफेंड कर रही हो, इसकी आवाज़ ही तो है जो है, और क्या है। उसके बाद जो रही बात, रोड बहुत स्मूथ थी आगरा से जब स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ से रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, वहाँ से मुझे लगा एक पीछे थोड़ी सी ना वो खड्डे थोड़े बहुत आ रहे थे, लेकिन भाईजान इस बाइक को फर्क नहीं पड़ता, इतने भाई शूटर ही निकलना होता है। तो ये थी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों ने बताना है, अपनी राय देनी है नीचे। और धूम 3 की याद आ गई यार, धूम 3 में भी बाइक थी ना आमिर खान, उसकी याद आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें। 1 2 3 आप।